कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट में स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग चल रहा था, और ऑपरेशंस प्लानिंग में पार्ट 1 डिमांड फॉरकास्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे। डिमांड फॉरकास्टिंग में लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पीरियड के लिए अपनी सेल्स को एस्टीमेट करना चाहती है, तो उसके लिए वो डिमांड फॉरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है। डिमांड फोरकास्टिंग की टोटेलिटी में हमने बात की 6 मेथड्स है, और उन 6 में से हमने टोटेलिटी में 7 मेथड्स है, जिसमें से हमने लास्ट क्लास तक 6 मेथड डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास में मेनली आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो था, दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, वो आपने देखा। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में एक ऑर्गेनाइजेशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे फ्यूचर की डिमांड को एस्टीमेट करने की कोशिश करती है, और उसके लिए वो एक ट्रेंड कैलकुलेट करती है, जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यू बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो नॉर्मली उसमें 5 या फिर 4 कॉलम होते हैं। 2 मेथड होती है सेल को एस्टीमेट करने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इन ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। एक्चुअल में हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में इक्वेशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें ए और बी की जो वैल्यूज होती है उनको कैलकुलेट करने की 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें से हमने पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया। डायरेक्ट मेथड में हम कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज के लिए मेनली 5 कॉलम बनाते हैं। पहला ईयर्स, दूसरा टाइम डेविएशन इंडिकेटेड बाय एक्स, तीसरा सेल्स इंडिकेटेड बाय वाई, फोर्थ कॉलम में एक्स स्क्वायर और फिफ्थ कॉलम में हम एक्स वाई कंसीडर करके चलते हैं। डायरेक्ट मेथड में ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन मेन, और बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन मेन सिग्मा एक्स स्क्वायर। जब ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यही अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड केवल और केवल तभी अप्लाई होता है जब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, भले ही सिग्मा एक्स कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, 0 हो, ना हो, एनी सिचुएशन में इनडायरेक्ट मेथड आपका यूज हो सकता है। इनडायरेक्ट मेथड में भी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही इक्वेशन चलेगी, लेकिन ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहली सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एंड सेकेंड इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू का स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसमें नॉर्मली आपको 4 कॉलम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में नॉर्मली ईयर्स गिवन नहीं होता। अगर गिवन हो तो आप 5 कॉलम भी कंसिडर कर सकते हो। हमने डायरेक्ट मेथड पे 2 क्वेश्चन कर लिए थे, और इनडायरेक्ट मेथड पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था, और जो सेकंड क्वेश्चन था मैंने आपको कहा था ये सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लो और घर से करके लाना। अगर किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा, इजीली स्टूडेंट ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। आप अपना आंसर मैच कीजिए, कंफर्म कीजिए आपने जो आंसर किया है वो ठीक किया है या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर स्कूटर्स इन 5 टाउन्स। 5 टाउन्स में स्कूटर्स की डिमांड का इन्वेस्टिगेशन किया गया, हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा, और वहां से हमें ये डेटा फाइंड आउट हुआ। डेटा था पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, लैक्स में गिवन है, दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स, 4 लैक, 6 लैक, 7 लैक, 10 लैक एंड 13 लैक, और नंबर ऑफ स्कूटर्स को इंडिकेट किया गया है वाई से। जिस टाउन की पॉपुलेशन 4 लाख थी, वहां पे 4400 स्कूटर्स की डिमांड देखी गई। एक दूसरे टाउन में जहां पे पॉपुलेशन 6 लाख की थी,
वहां पे 6600 स्कूटर्स की डिमांड देखी गई। एक टाउन जहां पे 7 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद स्कूटर्स की डिमांड केवल 5700 देखी गई। एक टाउन जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख थी वहां पे 8000 स्कूटर्स की डिमांड देखी गई। और एक टाउन जहां पे पॉपुलेशन 13 लाख थी वहां पे स्कूटर्स की डिमांड 10300 देखी गई। क्वेश्चन चाहता है एस्टीमेट द डिमांड फॉर स्कूटर। हम स्कूटर की डिमांड कैलकुलेट करके दें फॉर ए टाउन, एक ऐसे टाउन के लिए विद ए पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 16 लाख रुपए है तो ऊपर जो 5 टाउन का इन्वेस्टिगेशन किया गया उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करके देना है कि 16 लाख की पॉपुलेशन के लिए स्कूटर्स की डिमांड कितनी होगी। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे अपना इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। आओ जरा हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, 4 कॉलम में हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला पॉपुलेशन इन लैक्स, दैट इज इंडिकेटेड बाय एक्स। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्कूटर्स, दैट इज इंडिकेटेड बाय वाई। देन थर्ड कॉलम विल बी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम विल बी एक्स वाई। एज पर क्वेश्चन पॉपुलेशन है 4, 6, 7, 10, 13। 4, 6, 7, 10 and 13 ये सारी की सारी फिगर लैक्स में है। स्कूटर्स की बात करूं तो स्कूटर्स जो है वो तो सीधा सीधा ही गिवन है, स्कूटर्स की बात करें तो स्कूटर्स की डिमांड देखी गई 4400, 6600, 5700, 8000, 10300। 4400, 6600, 5700, 8000 and 10300। x का अगर टोटल कर लिया जाए तो हमें सिग्मा x फाइंड आउट हो जाएगा, और y का टोटल किया जाए तो हमें सिग्मा y फाइंड आउट हो जाएगा। सिग्मा x 40 आ रहा है, 40, y का टोटल 35000। सिग्मा y आ गया 35000। नेक्स्ट कॉलम में हमें x का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर इट विल बी 169। इस कॉलम का टोटल कर लिया जाए तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया आपका 370। लास्ट कॉलम विल बी एक्स वाई, 4 × 4400, 17600, 6600 × 6, 39600, 7 × 5700, that will be 39900,
80,000 एंड 13 × 10,300 133,900 सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा आपका 311,000। इस कॉलम का टोटल किया जाए तो सिग्मा एक्स वाई आ गया आपके पास 311,000। दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू स्टेटमेंट। इसको आप कॉपी कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू के स्टेटमेंट के बाद हमारा टारगेट होगा ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। और इनडायरेक्ट मेथड में ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं दो इक्वेशन। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व। पहली इक्वेशन है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा y अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, सिग्मा y आ रहा है आपका 35,000 इज इक्वल टू एन ए। नंबर्स की बात करें तो टाउन आपने कंसीडर किए हैं 5, तो ये हो गया 5a प्लस b सिग्मा x। सिग्मा x आपका था 40, तो इट विल बी 40b सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई आ गया 311,000 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स दैट इज 40a प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 370, तो इट विल बी 370b। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो 35,000 × 8 इट विल बी 280,000। 280,000 इज इक्वल टू 40a प्लस 320b। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर ली। 311,000 इज इक्वल टू 40a प्लस 370b साइन चेंज, तो ये आपका a कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 280,000 माइनस 311,000 माइनस का 31,000 माइनस 31,000 इज इक्वल टू माइनस 50b। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो b विल बी इक्वल टू 31,000 डिवाइडेड बाय 50। 31,000 डिवाइडेड बाय 50 इट विल बी 620। b की वैल्यू आ गई 620। B की वैल्यू आ गई 620। पहली ही इक्वेशन में अगर मैं B की वैल्यू 620 रखूं तो इट विल बी 35,000 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b दैट इज 620। इसको सॉल्व करके आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। इट विल बी A इज इक्वल टू 35,000, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 620 × 40 इट विल बी 24,800 डिवाइडेड बाय 5a, तो a विल बी इक्वल टू 2040।
ए की वैल्यू आ गई 2040, बी की वैल्यू आ गई 620। इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आओ जरा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्वेश्चन ने कहा कि आपको कैलकुलेट करके देना है 16 लाख की पॉपुलेशन के लिए स्कूटर्स की डिमांड। तो y विल बी इक्वल टू a, a था आपका 2040, a है आपका 2040 प्लस b है आपका 620, और x से है आपका 16 लाख के लिए कैलकुलेशन करनी आपको। तो व्हाट विल बी द स्कूटर्स डिमांड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख? इट विल बी 620 इनटू 16 प्लस 2040, टोटल विल बी 11960। अगर एक टाउन की बात करें जिसकी पॉपुलेशन 16 लाख होगी, तो हम एस्टीमेट कर सकते हैं कि वहां पे स्कूटर्स की डिमांड 11960 की होगी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जिन्होंने कर लिया था, आंसर मैच हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन सर ने कराया तो हम दूसरा क्वेश्चन इजीली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर पा रहे हैं। और जिनका गलत था वो ये एनालाइज करो आपने गलती कहां पे की है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं है तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग पुट कीजिए आंसर नंबर 4। सबसे पहले कॉपी करना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। इसके बाद कॉपी कीजिए आप वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की कैलकुलेशन। ए आएगा आपका 2040 एंड बी विल बी 620। इसके बाद कॉपी कीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। 16 लाख की पॉपुलेशन के लिए 11960 स्कूटर्स की डिमांड एस्टीमेट की जा रही है। तो ये था आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के दो तरीके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। भले ही डायरेक्ट मेथड हो भले ही इनडायरेक्ट मेथड हो, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड वैल्यूज बनाना है, a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जो कि अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। फाइनली y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन अपने को अप्लाई करनी है। इसके बाद एक लास्ट मेथड रहता है हमारा, जो कि थ्योरेटिकली हमारे सिलेबस में कवर्ड है, दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। आओ जरा, लास्ट जो मेथड है सेवंथ मेथड, दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। देखो, मूविंग एवरेज मेथड सिंपल मेथड है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सालों का डेटा पिक करके जस्ट उसका एक एवरेज निकालती है और कहती है यही फ्यूचर में डिमांड होने की एक्सपेक्टेशन भी है। सिंपल एक एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है। दिस इज अनदर, ये भी एक स्टेटिस्टिकल मेथड ही है टू कैलकुलेट द ट्रेंड
through moving averages. It can be calculated as follows. An appropriate period is to be determined for which the moving average is calculated. 5 साल का डेटा पिक किया और उसका एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया. वाइल डिटरमाइनिंग द पीरियड फॉर मूविंग एवरेजेस द नॉर्मल साइकिल टाइम ऑफ चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ सीरीज शुड बी कंसीडर्ड सो दैट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड. जब हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पीरियड पिक करते हैं 2 साल 5 साल, नॉर्मल साइकिल टाइम ऑफ चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ सीरीज शुड बी कंसिडर्ड. तो हमें एक ऐसी सीरीज पिक करनी है जिसमें चेंजेस दिखाई दे कि कभी 50 कभी 60 कुछ चेंजेस दिखाई दे ताकि हम उसके एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेशन करें तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है वो एलिमिनेट हो जाए. अगर एक बार 10 होगा एक बार 20 होगा एक बार 25 होगा मैं तीनों का एवरेज कंसिडर करके निकालूंगा तो मेरा जो एस्टिमेशन होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा ठीक होने के चांसेस है. अदरवाइज क्या होगा अगर मैं 10 10 10 इस बेसिस पे कंसिडर करूं तो एवरेज भी 10 ही आएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में अगर चेंजेस आ गए हो सकता है डिमांड 20 चली जाए. तो कहीं ना कहीं मुझे एक नॉर्मल साइकिल टाइम लेना चाहिए जिसमें वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हो उसके बेसिस पे एवरेज निकालूंगा तो सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को एलिमिनेट किया जा सकता है. द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस प्रेजेंट द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सेल और इसी के बेसिस पे आप फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट कर लेते हो. सिंपल यही कहूंगा मूविंग एवरेज मेथड में एक डेटा पिक करके उसका एवरेज निकाल लिया जाता है और उसी को फ्यूचर की डिमांड के लिए बेस बना लिया जाता है. दैट इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज मेथड. कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में इसको लेकर नहीं है. हेडिंग पुट करो लास्ट मेथड मूविंग एवरेज मेथड और ये जो 2 पॉइंट गिवन है इनको आप कॉपी कर लीजिए. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पॉइंट को देख सकते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ज्यादा रेलिवेंसी इस पॉइंट की नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं 4 ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6, 8 या 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है. हमने डिमांड फॉरकास्टिंग की 7 मेथड डिस्कस कर ली. अब इश्यू ये आता है कि इनमें से कौन सा मेथड अच्छा है. तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड फॉरकास्टिंग मेथड. इन 7 में से कौन सा फॉरकास्टिंग मेथड अच्छा है इसको डिसाइड करने के कुछ क्राइटेरियाज है. पहला एक्यूरेसी. मेथड जो भी है एक्यूरेसी लेवल हाई होना चाहिए. एक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्टिंग फिगर इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस क्योंकि आप कर रहे हो फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन जो कि 100% सही तो नहीं हो सकते बट एक्यूरेसी लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. बिकॉज मेनी इंपॉर्टेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स पॉलिसीज and strategies are prepared and followed on the basis of such estimate. क्योंकि आप जो यहाँ पे डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो इसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है, उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से लेबर हायर करती है, उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करती है. तो कहीं ना कहीं डिमांड फोरकास्टिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है. इफ सेल फोरकास्ट आर रॉन्ग और अगर आपने ये जो डिमांड फोरकास्टिंग की ये गलत हुई द बिजनेसमैन सफर ए बिग लॉस. हो सकता है आपने डिमांड एस्टिमेट कर ली 50,000 यूनिट की और आपने उसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स हायर कर लिए लेकिन मार्केट में डिमांड केवल
10,000 यूनिट की ही एक्चुअल में आई, तो कहीं ना कहीं 40,000 यूनिट बनाने के लिए आपने जो मटेरियल खरीदा होगा, वर्कर्स हायर किए होंगे, मशीनरी इंस्टॉल करी होगी, आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। हेंस द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग टू बी अप्लाइड मस्ट अमाउंट टू मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो मेथड ऐसा होना चाहिए फॉरकास्टिंग का जिसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके। सेकेंड पॉइंट, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल होना चाहिए ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। द मेथड फॉर फॉरकास्टिंग शुड बी वेरी सिंपल। इफ द मेथड इज डिफिकल्ट और टेक्निकल, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे अगर कोई पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है गुड फॉरकास्टिंग मेथड का, एक्यूरेसी लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए मेथड में। तीसरा, इकोनॉमी, खर्चा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेथड अप्लाई करके हमें बेनिफिट तो 5 लाख के मिल रहे हैं और कॉस्ट उसमें आ रही है 10 लाख की। इकोनॉमिकल होना चाहिए। द मेथड टू बी यूज्ड शुड बी इकोनॉमिकल, टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ फॉरकास्ट। कॉस्ट मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरकास्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए फॉरकास्टिंग कर रहे हो, नो डाउट आपके लिए फॉरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस फॉरकास्टिंग की जो इंपॉर्टेंस है, उसके लिए जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, क्या वो कॉस्ट इकोनॉमिकल है, रीजनेबल है? अगर आपको लगता है फॉरकास्टिंग से बेनिफिट 5 लाख के होंगे, खर्चा मैं 2 लाख लगा रहा हूं, हाँ दिस इज इकोनॉमिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप खर्चा लगा रहे हो 5 लाख का, जबकि आपको बेनिफिट वहां से केवल 2 लाख 3 लाख के दिखाई दे रहे हैं, तो दिस विल नॉट बी इकोनॉमिकल। तो एक अच्छा फॉरकास्टिंग मेथड वो है जिसमें एक्यूरेसी लेवल हाई हो, सिंप्लिसिटी हो जिसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, इकोनॉमिकल हो कि उसके बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट के कंपैरिजन में। चौथा, अवेलेबिलिटी। द मेथड शुड बी सर्च फॉर विच द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मे बी अवेलेबल इमीजिएटली विद रीजनेबल एक्यूरेसी। मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको अप्लाई करने के लिए हमें जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो अवेलेबल हो सके। मोर ओवर द टेक्निक मस्ट गिव क्विक रिजल्ट्स एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। रिजल्ट जल्दी आने चाहिए, यूजफुल रिजल्ट आने चाहिए। पहला पॉइंट, एक्यूरेसी लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तीसरा, इकोनॉमिकल होना चाहिए। चौथा, उस मेथड को अप्लाई करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, मेथड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। द डेटा ऑफ फॉरकास्टिंग शुड बी सच वेयर इन द फ्यूचर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी मिनिमम एंड आर रिलायबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग फॉर सम टाइम। जो भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, वो डेटा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर उस डेटा में फ्लक्चुएशन जल्दी जल्दी आता है तो हो सकता है कि मैं आज एस्टिमेशन कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, बट फ्यूचर में टर्म्स एंड कंडीशन सिचुएशन चेंज हो जाए और मैंने जो प्लान किया था वो गलत हो जाए। तो कहीं ना कहीं डेटा जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, इट शुड बी स्टेबल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन इज दैट इज यूटिलिटी। द फॉरकास्टिंग टेक्निक मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड सूटेबल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए फॉरकास्टिंग मेथड सूटेबल भी होना चाहिए। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड फॉरकास्टिंग मेथड? 6 पॉइंट आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सर, पहला, एक्यूरेसी लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकल मेथड होना चाहिए। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली होनी चाहिए। चौथा, मेथड सिंपल होना चाहिए। पांचवा, जो डेटा आप फॉरकास्टिंग के लिए यूज कर रहे हो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और सिक्स्थ, यूटिलिटी होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड सूटेबल फॉर द मैनेजमेंट।
हेडिंग पुट करो essentials of a good forecasting method. या फिर what are the criteria of a good forecasting method? सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what are the criteria of a good forecasting method? सबसे पहले first two points copy कर लीजिए, accuracy and simplicity. इसके बाद थर्ड पॉइंट कॉपी कीजिए इकोनॉमी एंड फोर्थ पॉइंट कॉपी कीजिए अवेलेबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट कॉपी कीजिए स्टेबिलिटी. And finally, last point, utility. This is all about study note number 2 operation planning का first part demand forecasting. Demand forecasting में mainly आपने यही ध्यान रखना है कि demand forecasting का meaning क्या होता है, demand forecasting करने के लिए हम कौन कौन से methods use करते हैं. Theoretically सारे के सारे method अपने को पता होने चाहिए, practically trend projection method का application, और finally हमें पता होना चाहिए What are the criteria of a good forecasting method? This is only the one part of your study note number 2. Next class में हम इसी का second part start करें. तब तक के लिए आप जितना भी मैंने first chapter आपको करवाया था वो revise कर लीजिए, और study note number 2 का पहला part demand forecasting. Next class में हम capacity से related हमारे दो टॉपिक होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट.